दतिया को स्वच्छ नहीं रख सकता उसकी नहीं है कोई जरूरत। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया शहर की स्वच्छता को लेकर उठाया निर्णायक कदम। उन्होंने नगरपालिका कर्मचारियों के बीचों बीच अपने संबोधन के दौरान स्पष्ट कर दिया कि दतिया को 234 पे स्थान पे 34वें नंबर पर लाना है और जो भी सफाई कर्मचारी दतिया की स्वच्छता को लेकर खानापूर्ति करने में लगे हुए हैं ऐसे सफाई कर्मचारियों की नहीं है कोई जरूरत। दतिया को स्वच्छ रखना पहली प्राथमिकता जिला प्रशासन की है जिसमें नहीं बरती जाएगी कोई कमी। जो लोग सफाई के नाम पर फ्री का वेतन ले रहे हैं और नहीं कर रहे हैं कोई काम जल्द ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण का टाइम आने वाला है, मार्च में इसका फाइनल होगा और वैसे भी शहर को साफ रखना सबका दायित्व है। अभी मैं नगर पालिका का प्रशासक भी हूं तो उस नाते भी मेरा दायित्व अलग से भी है। तो मुझे लगा कि अभी जो व्यवस्था है उसमें और उसको बेहतर करने की गुंजाइश है और इसके लिए सारे जो सफाई में लगे हुए नीचे के जो लोग हैं उनको बुलाया था, उनकी बात सुनी, उनकी तकलीफें भी सुनी ताकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें देखी जा सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्यत्र इनके इन जगहों पे ड्यूटीज करते हैं या नहीं करते हैं और तनख्वाह पा रहे हैं। हमने अधिकारियों को कहा है कि ऐसे लोगों का एक हिसाब किताब मेरे पास रखें, ऐसे लोगों को तनख्वाह नहीं देंगे जो सफाई के नाम पे तैनात हैं और सफाई के काम नहीं करते। जो करते हैं वो अच्छा काम करें, कैसे काम करें उनको हमने कुछ अपेक्षाएं भी की है, हिदायत भी दी, सुझाव भी दिया है, उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुनी भी है, उसका भी निराकरण यथासंभव जो हमारा दायरा होगा उसमें करेंगे और कोशिश यही है कि आने वाले 2-3 महीने में जब ये स्वच्छता सर्वेक्षण के करीब पहुंचेंगे। अभी पिछले सर्वेक्षण में देश के तकरीबन 500 नगर पालिकाओं में दतिया का स्थान 234 था, हम कोशिश करेंगे कि हम 34 के आसपास आए तो उसी के मद्देनजर ये रखा था और इसको हम बीच बीच में और फॉलो भी करेंगे। आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।